बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अपने प्यारों के साथ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी, एनर्जी से भरा हुआ, भरपूर मैं आप लोगों के लिए ड्रिंक लेके आई हूँ, एप्रिकॉट का, जो कि बहुत ही डिलीशियस है, मज़ेदार है। तो मैं बना रही थी तो मैंने कहा मैं अपनी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूं, तो मैं पहले दुआ कर लेती हूं। रब्बे कायनात आपको हर किस्म के गम, मुसीबत और परेशानियों से महफूज फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो इसके लिए मैंने एप्रिकॉट्स ले ली थी। चीनी चाहिए मुझे इसमें 4 टेबल स्पून, ये मेरे सर्विंग गिलास हैं। तो मैंने एप्रिकॉट को अच्छी तरह से उनका छिलका उतार के और उनका बीच में से जो बादाम होता है वो भी निकाल लिया था बीज, और अच्छी तरह से इनको साफ करके तो मैंने ये रख लिया है अपने जूस के लिए। और साथ ही मैंने हाफ लेमन लेना है इसमें, तो ये ऑप्शनल है लेमन, अगर आप डालना चाहते हैं तो ठीक है। और साथ ही मैंने इसमें बर्फ़ ली है, क्योंकि हम लोग एनर्जी से भरपूर हेल्दी ड्रिंक बना रहे हैं, और रमज़ानुल मुबारक में जो कि हम लोग अपने अफ्तार इससे करेंगे तो बहुत ही हमें ये सेहत बख्श है, हम लोगों के मैदे के लिए बहुत अच्छा है, और ये हमारे बहुत ही हमें रिफ़्रेशिंग सा ये एहसास देगा। तो मैं बना रही थी, ताज़ी ताज़ी अभी एप्रिकॉट्स आई हैं, शुरू हुई हैं, तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपना ये हेल्दी सा ड्रिंक आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो जी मैंने ब्लेंडर में पहले सारी एप्रिकॉट्स डाल लूँगी मैं, तो बहुत ही यमी ये ड्रिंक बना था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और बनाएं अपनी फैमिली के लिए ये मज़ेदार सा हेल्दी सा ड्रिंक। तो साथ ही मैं इसमें हाफ लेमन डाल रही हूँ, ये खट्टा मीठा बनेगा बहुत ही मज़े का। अगर आप इसमें लेमन नहीं डालना चाहते तो आप सिर्फ चीनी भी डाल सकते हैं। तो मैंने 4 टेबल स्पून इसमें शुगर के लिए थे, तो जितनी क्वांटिटी आपको रिक्वायर्ड है आप उसके हिसाब से अपनी शुगर को रख सकते हैं। तो जी आप लोग सुनाएं कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के रमज़ानुल मुबारक? तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक गुजर रहे हैं। तो अब मैंने इसमें पानी डाला है और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे ज़बरदस्त सा। तो मैंने तो 5 मिनट का टाइम रखा होता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ 1-2 सेकंड इसको ब्लेंड करते हैं तो वो साबित साबित रह जाता है अंदर। तो आप अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करें, फिर इसमें बर्फ़ को शामिल करें, उसके बाद फिर दोबारा आप इसको चलाएं तो ज़बरदस्त सा होता है। तो आप एप्रिकॉट्स को इसमें मिल्क भी शामिल कर सकते हैं, अगर आप इसकी स्मूदी बनाना चाहते हैं तो आप इसका एप्रिकॉट का मिल्क शेक भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ये हेल्दी सा, बिल्कुल हैवी नहीं होता, बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है, आपको ये हैवी नहीं करता। तो बहुत ही रिफ़्रेशिंग और ठंडा ठंडा आप ये बनाएं और अपनी अफ्तार इसके साथ इंजॉय करें, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। मैं भी आप लोगों को बहुत, आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ, अपनी वाइटी फैमिली के लिए बहुत दुआओं में आप लोगों को मैं याद रखती हूँ। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरी वीडियो को देखने के लिए आए हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा कर जाएँ, लाइक के बगैर बिल्कुल नहीं जाइएगा। तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा कर जाएं, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो जी मैं अभी अपने प्यारे से सर्विंग ग्लासेस में इनको पोर कर रही हूँ। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप इसको किस तरह सजाते हैं, तो ज़बरदस्त सा इसको प्रेजेंट करें ताकि आपकी फैमिली भी खुश हो। तो जी मैंने आप लोगों के लिए ज़बरदस्त सा रिफ़्रेशिंग सा जूस आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो जी अभी मैंने अपने टेबल पे इसको अच्छे तरीके से सजा दिया है, आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, मुझे बहुत खुशी होगी। तो हम लोग बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आते हैं, तो आई होप कि आप इसको इसी तरह से हम लोगों को इसका दे सकते हैं कि आप हमारी वीडियोस को लाइक करें और प्लीज़ फुल वॉच किया करें वीडियोस को। तो अब मैंने जब जूस यहाँ पे रखा है तो मैंने कहा मैं अच्छी तरह से इसमें चम्मच चला लूँ और आपको पूरा दिखाऊं कि देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका रिफ़्रेशिंग सा कलर आया है। तो बहुत ही मज़े का ये एप्रिकॉट का जूस बना था, तो आप लोग भी बनाएं और अपनी फैमिली को ये बना के दें, ज़बरदस्त सा जूस, ज़बरदस्त सा।
तो आज का रमज़ान मुबारक में बहुत ही रिफ़्रेशिंग से जूसेस हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ है मेरे पास जूसेस की। तो इंशाल्लाह ताला मैं आइंदा भी आप लोगों के लिए कोई और अच्छी सी जूस की रेसिपी लेके आऊँगी। तो आप लोग मुझे दुआ में याद रखें और मुझे दें इजाज़त, और ये ठंडा ठंडा जूस अफ्तार में बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। देखें कितनी ज़बरदस्त सी ये एप्रिकॉट्स लग रही हैं, आप इनको वैसे भी खा सकते हैं और जूस के तौर पे तो बहुत ही मज़े की ये आपको लगेंगी। तो आई होप कि आपको ये पसंद आएगी मेरी ये फ्रेश से जूस की। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इजाज़त दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।